दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको बाहर का खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, आपके लिए दूध रख कर जा रही हूँ, पी लीजिएगा। पता नहीं रानी ने किशन ठीक से साफ किया कि नहीं, मैं उसको देख लूँ फिर आती हूँ। शालिनी ने अपनी सासू माँ के पास टेबल पर दूध रखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जब वापस आकर देखा तो दूध वैसे ही रखा। हाँ किया माँ, दूध ठंडा हो गया ना, अब फिर से गर्म करना पड़ेगा। पी नहीं सकती थी आप, कैसे पीती? तुमने उठा कर बैठाया ही नहीं, अपने आप कहाँ बैठ पाती हूँ, तुम ही जल्दी में रहती हो। ये नहीं कि दूध को बंद करके रखो, उनके कहते ही शालिनी का दिमाग खराब हो गया। उसका दिल कर रहा था कि दूध का गिलास उठाकर पटक दे, मगर खामोशी रही और मम्मी जी को उठाकर बैठा दिया। फिर दोबारा दूध गर्म करके उनको देकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में पति देव लैपटॉप लिए कुछ कर रहे थे। उसका फुल्ला चेहरा देखकर पूछा, क्या हो गया मेरी इतनी प्यारी बीवी को? मूड क्यों खराब लग रहा है? पता नहीं मम्मी जी कैसी होती जा रही हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती रहती हैं। कुछ कहा उन्होंने, चिल्लाती रहती हैं यार। कुछ दिनों पहले पड़ोस वाली आंटी आई थी, तब भी ऐसे ही चिल्लाने लगी थी। उनको तो मजा आ रहा था, कैसे मुस्कुरा रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम्हारा मूड ठीक करने का उपाय है मेरे पास, चलो घूम कर आते हैं कहीं। पतिदेव ने तो एक मिनट में ही उसका गुस्सा खत्म कर दिया। वो खुशी से तैयार होने चल दी। जाने से पहले रानी को रोक लिया कि जब तक हम लोग आ नहीं जाते तुम मम्मी के पास ही रहना। घर वापस आकर दोनों सीधे माँ के कमरे में आ गए। देखा तो माँ जाग रही थी। उन दोनों को देखकर नाराजगी से बोली, हमेशा घूमने निकल जाते हो, ये भी नहीं सोचते घर में एक बूढ़ी माँ भी है, उसके लिए खाना बना दो। कितनी तेज भूख लगी है मुझे, मैं अभी आपके लिए जूस लाती हूँ। शालिनी ने जल्दी से कहा, मुझे जूस नहीं पीना, तुम लोग जो खाकर आए हो वही खाना है। नहीं माँ, आप ऐसा खाना नहीं खा सकती, तुम लोग खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, वो जिद करने लगी। माँ प्लीज, आप बात को नहीं समझती, आप बीमार हैं, वो सब आपको नुकसान करेगा, थोड़ा सा खिला दो बेटा, क्या पता फिर कभी खा पाऊं कि नहीं। पता नहीं आज उनको क्या हो गया था, फालतू बात ना करा करिए, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आता। आप उल्टा पुल्टा बोलने लगती हैं, जल्दी से अच्छी हो जाइए फिर मैं आपको बाहर खिलाने ले चलूंगा। राहुल नाराज होते हुए उठ गया था, फिर वो कुछ नहीं बोली। शालिनी का लाया हुआ जूस खामोशी से पीने लगी। अब वो बहुत खामोश रहने लगी थी। शालिनी जो लाकर देती खामोशी से खा लेती। शालिनी को जब भी उनके कपड़े बदलवाना होता या कंघी करवानी होती, रानी को अलग से पैसे देकर करवा लेती। कुछ दिनों के लिए राहुल की मासी जी अपनी अपनी बड़ी बहन यानी राहुल के घर आई थी। जब राहुल की मम्मी और मासी जी छोटे छोटे थे तभी उनकी माँ पापा की मौत हो गई थी। राहुल की माँ यानी पंकजा जी बड़ी थी, उन्होंने एक
माँ की तरह मासी जी को पाला था, इसलिए मासी जी अक्सर अपनी बहन से मिलने आती रहती थी। इस बार वो कुछ दिन रहने आई थी, इसलिए पूरे टाइम बहन के कमरे में रहती, उनकी सेवा करती, उनके बाल झाड़ना, कपड़े बदलना, उनके लिए हल्का फुल्का खाना भी बना लेती। जब से वो आई थी शालिनी को बहुत आराम हो गया था, वो बहुत कम ही उनके कमरे में जाती। एक दिन मासी जी लान में बैठी किसी सोच में घूमती, जब शालिनी उनके पास आकर बैठ गई, तुमको पता है शालिनी दीदी तुम दोनों से कितना प्यार करती हैं, बहुत बेहिसाब। आज कल तुम शायद कम ही उनके कमरे में जा रही हो, इसलिए वो कितना परेशान होती रहती हैं, वो कुछ चीजें भूल जाती हैं। बोल रही थी मेरी बहू, बहू नहीं मेरी बेटी, मेरा सारा काम करती है, मुझे जूस दूध सब लाकर देती हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, शायद मुझसे नाराज है। मैं तो अब खाने के लिए जिद भी नहीं करती, जो लाकर देती हैं खा लेती हूँ, कि कहीं मेरा बेटा और बेटी नाराज होकर मुझे छोड़कर चले ना जाए। उनको तुम दोनों की ज़रूरत है, उन्हें तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ तुम सब करती हो, बस उसने प्यार भी मिला दिया करो तो दीदी के साथ तुम लोगों की जिंदगी भी सफल हो जाएगी। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, मगर एक बात और बोलना चाहती हूँ। दीदी खाने की बहुत शौकीन थी, हम गरीब ज़रूर थे, मगर हमारे घर में भी आ जाता तो अच्छा से अच्छा खिलाकर भेजती थी। मेरी दीदी बहुत सफाई पसंद थी, अब बेचारी खुद से कपड़े तक नहीं बदल सकती, ऊपर वाला कब किसको किस हालत में पहुंचा दे कुछ कह नहीं सकते। उनकी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बस एक के बाद एक बीमारी लग गई। वो पता नहीं शालिनी को समझा रही थी या ताना मार रही थी, मगर जो बोल रही थी उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक दिन उसे भी तो बूढ़ा होना है, और अगर उसकी बहू भी ऐसे ही दूर भागेगी तो मजबूरी समझकर एक बोझ की तरह उनकी देखभाल करेगी तो कैसे सब सहेगी। माँ की तरह एक कमरे में खामोशी से पड़ी रहेगी, ये सोचते हुए खामोश रहेगी कि कहीं उसके बच्चे उसे छोड़कर ना चले जाए। चलिए मासी, माँ मुझे याद कर रही थी ना, उनके पास बैठते हैं। शालिनी ने मासी का हाथ पकड़ते हुए कहा था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।